yes i hope my screen is visible can we start now yes ma'am okay now see uh, we, ha we had started with emerging trends in banking sector means after after 1991 there were liberalization uh, privatization and therefore many emerging trends new innovative uh, banking units and then the branches and then working services were started ओके लाइक वी हैव डन ब्रांच बैंकिंग यूनिट बैंकिंग चेन बैंकिंग एज अ यूनिट वी हैचुअलेंट वी है लोकल एरिया बैंकिंग सेपरेटली ऑपरेटेड फॉर रूरल एरिया बैंक एंड नाउ वी हैव यूनिवर्सल बैंकिंग नाम सुन के ही समझ में आ रहा है यूनिवर्सल एवरीथिंग अंडर वन रूफ एवरी आपको जो फाइनेंशियल सर्विस चाहिए हमारे पास मिलेगी ओके सो यूनिवर्सल बैंकिंग द फाइनेंशियल है मॉल में जाते हैं आपको हर एक चीज वहां पे मिलती है ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको मॉल में जाकर ना मिले राइट वन स्टॉप शॉप बोलते हैं वन स्टॉप शॉप मतलब एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप मार्केट जाते हैं तो एक एक चीज के लिए एक एक दुकान अलग अलग होता है राइट बट वेर एज इफ यू गो इन गो इन मॉल्स वहां पे आपको एवरीथिंग विल बी अवेलेबल सो वन स्टॉप शॉप राइट अंडर वन रूफ एवरीथिंग विल बी अवेलेबल सो बैंकिंग में भी ऐसा निकाला गया कि एक एक ही एक बैंक में आ जाओ आपको सब फिनेंशियल सर्विसेज मिल जाएंगी दिस इंक्लूज लॉन्स टू इंडस्ट्रीज चाहे लोन्स टू तो इंडस्ट्रीज हो वो भी मिल जाएगा वेंचर कैपिटल अंडर राइटिंग ब्रोकरेज की ब्रोकरेज फैसिलिटीज मिल जाएगी कॉर्पोरेट एडवाइजरी कंपनीज कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज बड़ी बड़ी यूज कंपनीज को अगर एडवाइज सर्विस चाहिए एडवाइस चाहिए मैनेज कैसे करना है कंपनी कैसे चलानी है वो भी मिल जाएगा इंश्योरेंस रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए वो भी मिल जाएगी वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस में कैसे अपने कैपिटल को रोटेट करने का ब्रोकरेज एंड सो ऑन सो एवरीथिंग इज अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब जैसे टेली बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग सो ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मतलब टेक्नोलॉजी बेसिस पे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिससे बैंकिंग के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं विदाउट विजिटिंग द बैंक ऑफिस विदाउट विजिटिंग द ब्रांच आर्स ब्रांच के आर्स कितने हैं सुबह दस से लेकर चार बजे तक अब आपको ट्रांजेक्शन करना है रात के आठ बजे रात के दस बजे तो कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इंटरनेशनल बैंकिंग वेन एवर आई से इंटरनेशनल इट इज अक्रॉस द बॉर्डर्स अक्रॉस द डोमेस्टिक बॉर्डर्स मतलब देश से बाहर

इंटरनेशनल बैंक की सर्विसेज क्या होती है किस लिए होती हैं दे आर टू डिलीवर फॉर द बेनिफिट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके लिए भी तो बैंक चाहिए कि नहीं चाहिए एक्सपोर्टर्स हैं इंपोर्टर्स हैं टूरिस्ट हैं फॉरेन एंटिटीज हैं अब मैंने फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज होके एक प्रोजेक्ट में एंटर किया है तो कॉमन सेंस है इसमें तो दो करेंसी इन्वॉल्व होगी सपोज मैंने यूएस के साथ एंटर किया एक प्रोजेक्ट में तो इंडियन करेंसी प्लस डॉलर तो डॉलर को डील करने के लिए भी तो बैंक बैंक की हेल्प चाहिए ना अब वो जो डॉलर्स जो दूसरी दूसरी करेंसीज में डील करके आपको आपके ट्रांजेक्शन को स्मूथ बनाते हैं उसको कहते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग वो ही तो मदद करेंगे आपको और कौन करेगा टूरिस्ट अब आपको बाहर जाना है आप तो रुपीस में लेकर गए थे सारा पैसा अब कन्वर्ट करके आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है द्राम्स में कन्वर्ट करना है दुबई घूमने गए थे यूरोज में कन्वर्ट करना है क्योंकि आप यूरोप घूमने गए थे जापान घूमने गए थे तो जापानीज है राइट तो घूमने गए थे तो आपको तो करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी ना उसके लिए भी आपको बैंकिंग की मदद लगती है ठीक है सो इम्पोर्टर्स हैं एक्सपोर्टर्स हैं जो डेली डेली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं बाहर देशों में या वहां से खरीदते हैं या वहां बेचते हैं प्रोडक्ट्स को तो करेंसी दूसरी दूसरी इन्वॉल्व हो रही है ना अलग अलग करेंसीज इन्वॉल्व हो रही है आपके ट्रांजेक्शन में तो वो अलग अलग करेंसीज को रूपीज में एक दिन मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं रह तो इंडिया में रही हूं तो ये सारे ट्रांजेक्शन किसकी मदद से हो सकते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग आया समझ में बैंकिंग uh, क्राइसिस आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आ जाओ अभी कॉजेस फॉर बैंक फेलियर्स कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से बहुत बार बैंक है ना फेल हो जाती है अपने अपने जो जो उनका गाइडलाइंस होते हैं जो उनके टारगेट्स होते हैं जो डिजायर्स होते हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते वो किसकी वजह से ऐसे होता है बहुत सारे रीजन्स है दिख रहे होंगे आपको ये सर्कल में बहुत सारे रीजन लैक ऑफ कैपिटल मत उसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दी हुई है अगर आप देखोगे ना तो यहाँ राइट हैंड साइड में उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है लैक ऑफ कैपिटल मतलब आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं है अब कंपनी के पास सिर्फ कैपिटल ही एक करोड़ का है जबकि चाहिए दो करोड़ तो क्या हुआ आप उतनी सर्विसेस लोगों को दे पाएंगे उतने अच्छी स्कीम्स उतने अच्छे प्रोडक्ट्स दे पाएंगे कॉम्पिटिशन कर पाएंगे बैंक्स के साथ दूसरे बैंक्स के साथ नहीं दूसरा पॉइंट वही है देखो क्योंकि आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं है तो कॉम्पिटिशन भी नहीं हो पाएगी आपकी खड़े नहीं हो पाएंगे आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के साथ सो यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट विद अदर बैंक आपकी एफिशियंट मैनेजमेंट नहीं है एफिशियंट मैनेजमेंट ना होना मतलब इन एफिशियंट मैनेजमेंट मतलब आपका जो बैंकिंग का सिस्टम है प्रोसीजर है जैसे काम करने का तरीका है बुक्स को मेंटेन करने का सिस्टम है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होता तो क्योंकि नहीं हो रहा है इनकेपेबल है ना लोग आपकी कंपनी में आ, उनको नहीं चलाने आ रही है कंपनी जो एम्प्लॉइज हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको मैनेज करने नहीं आ रहा है तो बैंक फेल हो जाएगी लो कैश रिसोर्सेस नेक्स्ट रीजन लो कैश रिसोर्स मतलब ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये चार्ट में भी अ लैक ऑफ कैपिटल कंपटीशन इन मैनेजमेंट लो कैश रिजर्व्स मतलब आपकी बैंक में ना कैश जो पड़ी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम है बहुत कम कैश पड़ी है अब कैश ही नहीं है तो विड्रॉवल के लिए जब लोग आएंगे खाली हाथ चले जाएंगे अपसेट होकर चले जाएंगे ये बैंक ही बेकार है बंद कर दो यहां पे अकाउंट सो so, वो अकाउंट तो चलेगा नहीं फिर आप आप बैंक तो चलेगी नहीं सब लोग निकल रहे हैं आपका अकाउंट बंद करके अपना अपना तो बैंक कैसे चलेगी बोलो लो कैश मतलब आपके पास लिक्विडिटी नहीं है अनसाउंड लैंडिंग पॉलिसी मतलब आपकी जो लैंडिंग पॉलिसी है ना वो अनसाउंड है मतलब अच्छी नहीं है स्कीम्स जो आप दे रहे हो ना लोगों को वो अच्छी नहीं दे रहे हो बेटर मैं किसी और बैंक में जाके अप्रोच करूं ऐसा लोग सोचते हैं राइट स्पेकुलेटिंग्स आपकी जो डीलिंग है आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो स्पेक्यूलेटिव है मतलब गड़बड़ वाले जहा पे हैवी लॉसेस होने के चांसेस होते हैं स्पेक्यूलेटिव ठीक है ब्रांच एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑल बैंक अगर ब्रांच एक्सपैंड हो रही है एक्सपैंड हो रही है कंटिन्यूसली ब्रांच एक्सपैंड हो रही है विदाउट कंसिडरिंग द फिनेंशियल रिसोर्सेस अगर आप ब्रांच को एक्सपैंड करते जा रहे हैं ब्रांचेस बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे लेकिन आपके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है कैश नहीं, नहीं, नहीं है उतनी कैपिटल नहीं है फंड्स नहीं है तो, तो आपकी बैंक धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली स्लोली आपकी बैंक क्या होती जाएगी वीक बीमार हो जाएगी और एक दिन बंद बैंक को बंद करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट एप्स एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन एंड कंट्रोल मतलब आपकी बैंक के ऊपर ठीक से कोई एक प्रॉपर लीडर नहीं है जो रेगुलेट कर सके जो कंट्रोल कर सके इसीलिए बैंक भी फेल हो जाती है ठीक है समझ में आया है? इतना सबको आगे बढ़े सिंपल लगा ये कॉजेस ऑफ कॉजेस फॉर बैंक फेलियर्स मतलब बैंक फेल होने के रीजंस क्या है कॉजेस क्या है क्यों बैंक फेल हो जाती है बहुत बार ठीक है नेक्स्ट चैलेंजेस टू बैंक क्या चैलेंजेस है बैंक के बस अभी देखो आप ये चैलेंजेस हम लोग कर रहे हैं उसके बाद करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर हमारा चैप्टर फिनिश कितना छोटा चैप्टर है सिंपल और बहुत इजी चैप्टर कुछ मतलब इस चैप्टर में टफ नहीं है इसीलिए एक ही दिन में ये चैप्टर हो गया कुछ टफ लग रहा है चैप्टर में अभी तक मैंने जो भी बताया उथ है कुछ अब तक नो नो ठीक है चलो बढ़िया अभी देखो चैलेंजेस टू बैंक्स अब चैलेंजेस का मतलब कौन बताएगा क्या होता है चैलेंजेस का मतलब क्या होता है पहले वो बताइए फिर आप धीरे धीरे जो पॉइंट पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में समझ में आता जाएगा कि अच्छा ये चैलेंज है बैंक के लिए तो चैलेंजेस का मतलब क्या होता है चलो बैंक की बात छोड़ो आपके सामने मैंने चैलेंज रख दिया तो वो चैलेंज का मतलब होता क्या है Hmm? What do you mean by the challenges? Um, कुछ hmm -hmm. चीजें फेस करना हम्म वेरी गुड जो हमारे बस के बाहर हो वो चीज हम ट्राई करते हैं और जब हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तब हम हम कहते बोले आ जाते हैं ना दैट वी आर विनर समझ में आ रहा है इट्स अ चैलेंज नाउ सपोज सपोज आपके बस के बाहर है आ, कोई पर्सन है हैं, हैंडीकैप्ड है चल फिर नहीं सकते है. बट उसको बोला जाए आप काम करके आप इतने इनोवेटिव बन जाओ कुछ इनोवेटिव चीज करके दिखाओ तो वो अगर करके दिखाएगा तो ही तो विनर बनेगा अदरवाइज वॉट विल है समझ में आ रहा है आपको सो so, कभी कभी ना बैंक के दायरे से वो चीजें बाहर होती हैं बट स्टिल बैंक विल अदरवाइज वो चैलेंज को सक्सीड नहीं करोगे जब तक आप जो चैलेंज पूरा नहीं करोगे तो विनर कैसे बनोगे सो समथिंग विच इज आउटसाइड योर रीच ओके, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू रीच अप टू दैट तभी तो सक्सेसफुल बनेंगे नहीं तो कैसे सक्सेसफुल अब कोई एक बहुत वीक स्टूडेंट है उसको हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं आपको 80 परसेंट स्कोर करना है सो इट्स चैलेंज फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट नो क्यों चैलेंज किसको दिया जाता है जो नहीं कर सकता है और जो करने की कोशिश कर रहा है जो वीक स्टूडेंट है उसके लिए ये चैलेंज है जो जो ऑलरेडी क्लेवर है स्मार्ट है ही नोज एवरीथिंग शी नोज एवरीथिंग हर लेक्चर में बच्चा बैठता है एग्जाम भी पास करता है यूनिट टेस्ट देता है और आपके इंटरनल एग्जाम्स भी देता है उसमें भी फर्स्ट आ जाता है तो उसके लिए तो ये चैलेंज थोड़ी है उसके लिए तो वो बोलते हैं हिंदी में बाएं हाथ का खेल है इट्स माय एक कप ऑफ टी वेरी वेरी सिंपल जॉब आई कैन डू इट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम है ना उसके लिए तो ये चैलेंज नहीं चैलेंज किसके लिए होता है जो वीक होते हैं और उनको बोला जाए आप 80 परसेंट स्कोर करके दिखाओ सो दैट इज समथिंग चैलेंज टू देम सो इफ दे डू दैट ओनली देन दे विल सक्सीड सो चैलेंजेस क्या है बैंक के चलो देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ एनपीए वॉट इज एनपीए आई टेल यू नॉन प्रॉफिट सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स बताऊंगी मैं ये क्या होता है कॉम्पिटिशन फिर प्रिवेंटिंग फिर उसके बाद रिफॉर्मिंग ह्यूमन रिसोर्स है ना रिफॉर्मिंग मतलब फिर से बनाना रीफॉर्म री फिर से फॉर्मिंग बनाना फिर से उसको पूरी चीज पूरा सिस्टम उस सिस्टम को ह्यूमन रिसोर्स को फिर से अक्यूमुलेट करके वापस उसको अच्छे से इफेक्टिवली सिस्टम में लाना बनाना ठीक है चलो अभी देखते हैं चैलेंज में एक एक वी विल लुक एट ऑफ देम वन वन बाय सो प्रॉफिटेबिलिटी सबसे बड़ा टेंशन बैंक के लिए इज अ बिग चैलेंज कौन सा बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज होता है बैंक के आगे प्रॉफिटेबिलिटी तब प्रॉफिट के लिए तो हर कोई बिजनेस कर रहा है बैंक भी तो बिजनेस कर किसके लिए रही है सोशल सर्विस के लिए हम्म नहीं किसके लिए करती है बैंक बिजनेस प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए तभी तो उसे कमर्शियल बैंक बोलते हैं ना इसीलिए तो उसे कमर्शियल बैंक बोलते हैं और किस लिए बोलते हैं कमर्शियल बैंक का मतलब ही क्या उनका बिजनेस ही यही होता है मेन प्रॉफिट अर्न करना फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना और प्रॉफिट अर्न करना तो प्रॉफिटेबिलिटी इज द बिगेस्ट स्ट्रेन स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी होता है this is on account of narrowing the spread of account on uh, on account of competitive rates large number and widely dispersed network of branches coupled with large manpower aapke paas itni sari branches hain itni sari branches hain dispersed matlab alag alag areas mein alag alag states mein alag alag countries mein इतनी ब्रांचेस आपने ओपन करके रखी हैं ऊपर से ब्रांचेस तो हैं ही उसके अंदर काम करने वाले लोग भी हैं कपल्ड विथ मतलब उसके साथ विथ लार्ज मैन पावर मैन पावर मतलब ह्यूमन रिसोर्स लोग काम करने के लिए जो लोग चाहिए वो भी बहुत ज्यादा है उसके साथ फिर लार्ज वेज बिल्स हैं अब बहुत ज्यादा लो, लोग लोग ज्यादा हैं तो वेज wage, मतलब वेजेस सैलरीज सैलरीज का जो बिल निकलता है वो भी ज्यादा होता है अच्छा अब क्योंकि ब्रांचेस ज्यादा हैं तो ब्रांचेस के खर्चे भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा कंप्यूटर्स भी ज्यादा काम करने के लिए लोग ज्यादा तो सैलरीज भी ज्यादा विच कैनॉट बी करटेल्ड मतलब उसको हम कम नहीं कर सकते हैं अब आप बोलोगे प्रॉफिट कम करना है ना चलो खर्चे कम कर दो सैलरी कम कर दो तो एम्प्लॉइज निकल जाएंगे एम्प्लॉय निकल जाएंगे तो ब्रांचेस बंद हो जाएंगी ब्रांच बंद हो गई तो बैंक ऑटोमेटिकली कम हो गई ना प्रॉफिट खुद ही कम हो जाएगा आप करो नहीं करो प्रॉफिट कम हो जाएगा एक्चुअली आपको प्रॉफिट बढ़ाना था पर कम हो जाएगा विच कैनॉट बी करटेल्ड का मतलब होता है कम नहीं कर सकते हम उसको काट नहीं सकते हैं ब्रांचेस को बंद नहीं कर सकते ब्रांच अच्छा नहीं दे रही है इज नॉट शट डाउन द बिजनेस ऑफकोर्स नॉट हम ब्रांच ओपन ही क्यों किए बंद करने के लिए कि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक्सपैंड करने के लिए है ना तो इतने सारे खर्चों के साथ इतने सारे ब्रांचेस इतना सारा मैन पा, पा, पावर के साथ हाउ विल बी मैनेज टू अर्न द प्रॉफिट और सिर्फ अर्न ही नहीं करना है हर साल मुझे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते रहने का है कितना बड़ा चैलेंज है सोचो कितना बड़ा चैलेंज है कंपनी के लिए बैंकिंग कंपनी के लिए है ना चलो नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट हम वही तो पढ़ रहे हैं क्या challenges होते हैं क्या होते के लिए मैनेजमेंट अब कितने सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं देखो बैंक किस किस को लोन देती है किस किस को बड़े आंटरप्रिन को छोटे आंटरप्रिन को इंडिविजुअल्स को जो घर खरीदना चाहते हैं उनको जो एजुकेशन करना चाहते हैं उनको जो जो लैंड खरीदना चाहते हैं जो ऑफिस खरीदना चाहते हैं मतलब आप सोचो बैंक किस किस परपज के लिए कार खरीदना है आपको आपने लोन दे दिया मतलब बैंक किस किस को लोन दे रही है बड़े से लेकर इंडिविजुअल तक तक बच्चों को तक, को स्टूडेंट स्टूडेंट्स भी लोन मिलते है, एजुकेशन लोन तो मतलब बैंक आप देखो ना कितना रिस्क उठाती है कितने लोगों को रिस्क ले रिस्क लेकर लोन देती है अब वो लोन अब लोन तो दे दिया आप पता नहीं रिकवर होगा नहीं होगा पता नहीं मार्केट की वजह से मार्केट डाउन हो गया तो लोग लोन खरीदेंगे पता नहीं नहीं खरीदेंगे टाइम पे चुकाएंगे पैसा नहीं चुकाएंगे अब जैसे लॉकडाउन आ गया था कोरोना टाइम पे अभी तो ओपन हो गया देखो सब धीरे धीरे सब ओपन हो रहा है बट देन आप देखो बीच में लॉकडाउन जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लॉकडाउन आया था हमारी इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट हुआ था सबके बिजनेस बंद पैसा है नहीं तो लोग लोन कहा से लेंगे जब पैसा ही नहीं है तो लोग लोन लेकर अपने सर पे और लाइबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे इंटरेस्ट कहाँ से चुकाएंगे तो लोन बंद हो गया था बिल्कुल बैंक का बिजनेस बंद हो गया था बैंक को भी बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि को, कोई लोन लेने आ ही नहीं रहा सही बात है ना तो मार्केट जब बैंक डाउन हो गई सब कुछ डाउन इकोनॉमी डाउन मार्केट फ्लक्चुएट हो गया बिल्कुल मार्केट डाउन हो गया सो बिजनेस डाउन है ना तो रिस्क बढ़ गई मार्केट रिस्क बढ़ गई इंटरेस्ट रेट का रिस्क बढ़ गया एक्सचेंज रिस्क बढ़ गया फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करने में जो एक्सचेंज रिस्क होता है वो बढ़ गया क्योंकि हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई हमारी क्या बहुत सारी कंट्रीज की डाउन हुई पर इंडिया की बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ ना क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई सब सब काम बंद हो गए सब एवरीथिंग वाज शट क्लोज डाउन तो यहाँ पे इकोनॉमी में ज्यादा फर्क पड़ गया ठीक है तो ये जब रिस्क रिस्क बढ़ जाते हैं ना तो कैसे मैं इतने इतने रिस्क रिस्क को मैनेज करूं इतने सारे रिस्क हैं कैसे मैं सारे रिस्क रिस्क को mitigate? Mitigate का मतलब होता है रिस्क कम करना तो बैंक के लिए सबसे बड़ा होता है, मतलब रिस्क को कैसे कम करूं मिटिगेशन मतलब कम करना रिड्यूस करना जनरल टर्म्स में सिंपल वर्ड्स में ठीक है मैनेजमेंट ऑफ एनपीए व्हाट इज एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स अब पहले मैं ये समझा दूं कि नॉन परफॉर्मिंग एसिड होता क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स का मतलब होता है जो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रही हैं जिनमें से इनकम मुझे जनरेट नहीं हो रही है अब बैंक के लिए सबसे बड़ी एसेट क्या होती है बैंक के लिए सबसे बड़ी एसेट क्या होती है देखू कौन आंसर कर रहा है एक बैंक के लिए सबसे बड़ी एसेट क्या होती है हम बैंक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा सब्जेक्ट ही हमारा है, बैंकिंग है ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सेक्टर सो so, मुझे बताइए बैंक के लिए सबसे बड़ी एसेट क्या होती है हम कम ऑन गाइस आर बैंकिंग के स्टूडेंट्स यू कैन नॉट बी कीपिंग क्वाइट कस्टमर मैन कस्टमर कौन से कस्टमर बचा देखो दो कस्टमर होते बैंक के पास चलो थोड़ा फिफ्टी परसेंट आंसर तो मेरे पास आ गया दो कस्टमर होते एक वो जो डिपॉजिट देकर जाते हैं मतलब पैसे देकर जाते हैं और एक वो जो पैसे लेकर जाते हैं लोन दो कस्टमर होते अब बताओ दोनों में से कौन एसेट है कौन लाइबिलिटी एक एसेट है एक तो लाइबिलिटी जो दे जाते हैं जो देकर जाते तो जो देकर जाते वो तो लाइबिलिटी हुई ना मुझे चुकाना है लोगों तो को तो लेके जाते, हाँ। जाते जो हाँ। नहीं <laughs> लेके नहीं जाते तो लेके जाते हैं ग्रेट <laughs> ग्रेट चलो आंसर मिल गया मुझे मतलब घुमा फिरा के ठीक है अब ध्यान से सुनो देखो आपने बोला कस्टमर मेरी एसेट होती है बराबर लेकिन कौन से कस्टमर मेरी एसेट होती है जो डिपॉजिट देकर जाते हैं ना वो तो कल को मांगने आएंगे मेरा पैसा मुझे वापस करो और बैंक को चुकाना भी पड़ेगा तो मतलब वो तो मेरे लिए लायबिलिटी है यस डिपॉजिट मेरे लिए लाइबिलिटी होती है लेकिन जो लोग मुझसे पैसा लेने आते हैं मतलब लोन लेने आते हैं बैंक से कब हम पैसे लेने जाते हैं लोन लोन के फॉर्म में जब लोन चाहिए तो जब मुझे लोन चाहिए और मैं लोन लेने बैंक से गई तो मेरे लिए लोन है लेकिन बैंक के लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना बैंक के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है हरिओम ने लिखा है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लेकिन नीचे एएनटीडीए एंड क्या लिखा है वो पता नहीं इन्वेस्टमेंट मतलब लोन देना तो यहाँ पे क्या बात चल रही है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू पब्लिक बैंक की सबसे बड़ी एसेट लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू पब्लिक या किसी को भी या पब्लिक को कॉरपोरेट को बिजनेसेस को फर्म्स को गवर्नमेंट को लोन चाहिए जिसको भी आपने लोन दिया आप बैंक को अगर आपने किसी को भी लोन दिया बिजनेस को दिया है लोन की बड़ी सी कंपनी को दिया है कि छोटी सी कंपनी को दिया है कि इंडिविजुअल को दिया है कि स्टूडेंट को दिया है कि किनर को दिया है किसको दिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है लोन तो दिया है ना तो लोन गिवन इज योर एसेट तो बैंक की सबसे बड़ी एसेट में क्या रिस्क अटैच होता है बैड डेज अगर ये लोन टाइम पे रिकवर नहीं हुआ तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट कस्टमर ने नहीं किया तो हमारा हाँ, पैसा डूब गया तो और जब डूब जाता है ना उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जब पैसा डूब जाता है अरविंद नीरव मोदी किसने के केस सुना है नीरव मोदी का नरेंद्र मोदी नहीं कह रही हूँ नीरव। हाँ नीरव मोदी नहीं पता उसने क्या किया बैंक मतलब बैंक का पैसा लेके भाग गया वो लोन नहीं चुका रहा हम्म भाग गया लोन पैसा नहीं चुकाया उसने बैंक का लोन लिया था उसने पर पैसा चुकाया नहीं उसने कौन है नीरव मोदी किसी को पता है यस मैम बिजनेसमैन बिजनेसमैन वेरी गुड ज्यादा ये किया मतलब घपला hmm. किया था. बहुत so, बड़ा घपला स्कैम बोलते हैं उसको है ना घपले को क्या बोलते हैं हम स्कैम बहुत बड़ा स्कैम किया और पैसा लेके भाग गया बैंक का तो जो बैंक का पैसा था जो लोन दिया था बैंक ने नीरव मोदी को वो भाग गया पैसा लेके अब बैंक का तो पैसा डूब गया अब जितनी बची कुछ उसकी एसेट्स पड़ी है इंडिया में वो बेच के बैंक पैसा निकाल रही है पर पूरा तो पैसा रिकवर होगा नहीं लोन तो बहुत था उतनी तो एसेट्स उसके पास थी नहीं नहीं तो भाग के क्यों जाता भाग के क्यों जाता अगर पैसा होता उसको तो तो अभी उतनी एसेट्स तो उसके पास है नहीं तो जितनी एसेट्स है वो बेचकर बैंक है ना अपना पैसा वसूल कर रही है बट उतना वसूल नहीं कर पाई तो जो वसूल नहीं कर पाई वो उनका जो जो एसिड का नुकसान हो गया सबसे बड़ी एसिड का लॉस हो गया उसको बोलते नॉन परफॉर्मिंग एसिड नॉन परफॉर्मिंग परफॉर्म नहीं कर रही है जो एसिड जो परफॉर्म नहीं करी परफॉर्म का मतलब बोलते जिस एसिड में से इनकम जनरेट होना स्टॉप हो गई है उसको बोलते नॉन परफॉर्मिंग एसिड अब समझ में आया अब समझ में आया नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स क्या होते हैं यस यस मैम मैम पक्का समझ में आया yes, तो अब अब बैंक को कितना देखना पड़ता है कितने लोन्स दिए कितने बोरोवर्स बोर देखो विथ ब्रॉड बेस ऑफ बोरोवर्स कितने बोरोवर्स हैं एक बोरोवर थोड़ी है बैंक को पता नहीं कौन कौन आता है बोरो करने के लिए लोन लेने के लिए तो बैंक के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट नहीं होने देने का अगर हो गए तो कैसे मैनेज करूं अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए अगर नुकसान हो गया तो मैं उसको मैनेज कैसे करूं कैसे पैसे निकालू कितना बड़ा टास्क है कितना बड़ा चैलेंज है देखो बैंक के लिए पर अगर जो बैंक कर पाती है तो वो सक्सेसफुल होती है जो बैंक सक, नहीं कर नहीं कर पाती है मैनेज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को प्रॉफिटेबिलिटी को रिस्क मैनेजमेंट को नहीं कर पाती है मैनेज वो बैंक बंद हो जाती है आए दिन बैंक खुलती हैं और बंद हो जाती है। देखा हैं देखा है आपने ठीक है कंपटीशन yes. ये सबसे कॉमन एग्जांपल कंपटीशन जो कॉम्पिट नहीं कर पाते अभी आपने एक नया बिजनेस ओपन किया जो रिलायंस को टक्कर देने वाले Reliance के के जैसा बिजनेस ओपन किया मुझे बताओ आपसे कौन खरीदने आएगा कोई नहीं क्योंकि आप तो न्यू न्यू आए हो ना बिजनेस में रिलायंस कंपनी के प्रोडक्ट तो कब से बिक रहे हैं लोग ट्रस्ट करते हैं रिलायंस कंपनी पे आपके ऊपर लोग ट्रस्ट क्यों करेंगे तो पहली बात तो ट्रस्ट जमाना ऊपर से कुछ इनोवेटिव देना कुछ अलग दोगे तो ही तो लोग खरीदेंगे इतनी बड़ी रिलायंस कंपनी को छोड़ के आपका आपका प्रोडक्ट खरीदने आ जाएंगे जो मार्केट में नया है पता नहीं प्रोडक्ट टिकेगा पता नहीं नहीं टिकेगा पता नहीं क्वालिटी अच्छी है पता नहीं खाने में कैसा है पता नहीं मोबाइल फोन कितने साल चलेगा पता नहीं लैपटॉप नई कंपनी का लू तो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा तो चलो जो वेल नोन कंपनी है उसका ही लैपटॉप खरीदते हैं लोग तो ऐसे ही सोचेंगे तो कॉम्पिटिशन मतलब जो 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 बिजनेस है ना कोई बिजनेस आप देख लो बैंकिंग में भी कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं हर हर बिजनेस बिजनेस जो बैंकिंग भी है ना उसमें भी कॉम्पिटिशन है तो हर बैंक आपको कुछ नया प्रोडक्ट कुछ टेलर मेड प्रोडक्ट टेलर मेड का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो टेलर मेड प्रोडक्ट टेलर मेड मतलब जैसे आपको चाहिए वैसा प्रोडक्ट बना के देती है अभी मैं वो प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ खाने पीने और यूज करने वाले प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स मतलब बैंकिंग प्रोडक्ट्स मतलब जैसे लोन्स एंड डिपॉजिट्स एंड स्कीम्स इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग चीजें ठीक है जो बैंक आपको दे सकती है तो वो एवरी बैंक हैज नाउ अ ब्रॉड रेंज ऑफ डिपॉजिट्स अलग अलग डिपॉजिट्स लेना इन्वेस्टमेंट्स के आइडियाज़ देना एजेंसी सर्विसेज देना आपको और न्यू न्यू सर्विसेज देना तो हर बैंक आपको दे रही है ना तो अगर कोई नई बैंक आ गई अगर कॉम्पीट नहीं कर पाई तो तो बैंक बंद हो जाएगी तो बहुत बड़ा चैलेंज है कंपटीशन भी एक नेक्स्ट प्रिवेंटिंग कस्टमर डिफेक्शन मतलब इतना इम्पोर्टेंट है मेरा कस्टमर मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आज अगर मैंने डिसअपॉइंट किया कस्टमर को रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया अच्छा अगर मैंने आज अपने कस्टमर की प्रॉब्लम ग्राइवियंसिस और उनके जो डिसमेंट हैं और उनके जो कंप्लेन हैं अगर मैंने वो आज सॉल्व नहीं किए टाइम पे तो मेरा कस्टमर मुझे छोड़ के मेरे बैंक बैंक में से अपना अकाउंट बंद करके दूसरे बैंक में खोलने में कितना टाइम लगाएगा हाउ मच टाइम इट विल टेक टेल मी टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट इन एनी अदर बैंक जस्ट वन डे एक फॉर्म भरो और काम फिनिश बैंक अकाउंट खुल जाएगा हाँ या नहीं यस यस मैम मैम तो बैंक छोड़ के जाना आपकी बैंक छोड़ के जाना मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आप मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो तो अगर आप मेरे ग्राइवियंस को सॉल्व नहीं रहे तो कितने कस्टमर्स होते हैं हर एक कस्टमर की हर एक न्यू प्रॉब्लम होती है तो हर एक प्रॉब्लम के साथ डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट मतलब हर प्रॉब्लम के साथ डील करना प्रिवेंट करना उन प्रॉब्लम्स को डील करना और कस्टमर को टूटने से रोकना हमारा कस्टम हम हमारा कस्टमर हमको छोड़ के ना चला जाए उसको रोकना प्रिवेंट करना प्रिवेंट कस्टमर डिफेक्शन मतलब कस्टमर डिसअपॉइंट हो गया तो छोड़ के चला जाएगा छोड़ के चला गया तो मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे तो मेरे पास कहां से आएंगे पैसे कहां से आएंगे बैंक में बैंक में पैसे कौन लेकर आते तो लेकर आती है और कौन लेकर आएगा ठीक है तो प्रिवेंट करना ऐसे कस्टमर्स को डिसअपॉइंट होने से रोकना इज ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज क्यों क्योंकि हजारों कस्टमर्स उनकी हजारों नई प्रॉब्लम्स और हजारों प्रॉब्लम्स के साथ डील करना एवरी डे इज अ बिग चैलेंज एंड लास्ट रिफॉर्मिंग ह्यूमन रिसोर्स अब देखो मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से हाँ अब देखो टीचर्स की बात ले लो आप स्टूडेंट्स की बात ले लो फिर हम बैंक पे आते हैं अब लॉकडाउन से पहले हम कैसे पढ़ाई करते थे जब कोरोना वायरस नहीं था हाँ कैसे स्टडीज करते थे ऑफलाइन अस मिलकर कॉलेज में आकर कैंटीन में टाइम पास करके कॉलेज बंक करके देर वर सो मेनी एक्टिविटीज हाँ कितनी एक्टिविटीज होती थी अभी भी हो रही है बट जब लॉकडाउन आया तब छह महीने तो बिल्कुल सब कुछ बंद था किसी को नहीं समझ में आ रहा था स्टार्ट कैसे करें वी टीचर्स वर ब्लैंक अब कैसे स्टार्ट करेंगे कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे कैसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे बच्चों को कैसे होगा ओ माय गॉड पेपर्स कैसे होंगे एग्जाम की करेक्शंस कैसे होंगी बच्चों को मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी सब कुछ कैसे होगा एक्टिविटीज कैसे होंगी सेमिनार्स कैसे होंगे तो सेमिनार्स को वेबिनार्स में कन्वर्ट कर दिया ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स को ऑनलाइन लेक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया स्टडी मटेरियल को हमने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया हुआ ना ट्रेनिंग दी ना तो ऐसे जैसे हम देखो ये ट्रेनिंग हमने खुद को एक होती है सेल्फ ट्रेनिंग हमने खुद सीखा कैसे करें हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं एक होता है जब आप कंपनी में जाते हो ना तो लोग आपको एक्सपर्ट्स आपको ट्रेनिंग देते हैं तो जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आई जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती है अब पुराना जमाना देखो जब बैंक्स में काम होता था मैन्युअली होता था रजिस्टर्स मेंटेन होते थे अब कंप्यूटर्स पे बैठकर काम करना पड़ता है तो जब न्यू न्यू कंप्यूटर्स आए थे बैंक में तब तो किसी को आइडिया नहीं थी कैसे करना है पता नहीं कैसे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है फिर फिर ये मोबाइल बैंकिंग क्या होता है फिर कैसे होगा ये एप्लीकेशन क्या होता है पता नहीं क्या होता है एप्स क्या होते हैं किसी को कुछ नहीं पता था लेकिन जिन एक्सपर्ट्स को पता होता है वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना मतलब जैसे हमने टीचर्स ने खुद को डेवलप किया ना कि चलो ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना है तो क्या क्या इनोवेटिव चीजें हम बच्चों को दें गूगल क्लासरूम से नोट्स दे सकते हैं जूम से लेक्चर ले सकते हैं अच्छा जूम में लेक्चर में यही ये चीजें हैं जिससे मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर सकती हूँ बच्चों को म्यूट पे रख के और, और नोट्स ऐसे प्रोवाइड करके पीडीएफ ऐसे शेयर करके स्क्रीन ऐसे शेयर करनी है है ना समझ में आ रहा है आप लोगों को तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग होती है एक होती सेल्फ ट्रेनिंग होती कोई और ट्रेनिंग दे रहा है तो रिफॉर्मिंग ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है मतलब रिफॉर्म करना जैसे जैसे डिमांड है टेक्नोलॉजी की मार्केट की जैसे जैसे डिमांड आती है ना वैसे वैसे ह्यूमन रिसोर्स में आपको वो अपडेशन 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 का मतलब क्या होता है डेवलपमेंट लानी पड़ती है अगर आपने वो सीनियर सिटीजन जो काम कर रहे हैं बैंक में आप देखो कितने सीनियर सिटीजन होते हैं बैंक में काम करने वाले अब पहले के लोगों को कंप्यूटर तो यूज करने नहीं आता था फिर उनको ट्रेनिंग दी गई और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अब आपको रिटायर होना पड़ेगा सॉरी अब आप रिटायर हो जाओ जो, जो यंगस्टर्स हैं वो आएंगे हम उनको ट्रेनिंग देंगे और अपडेट करेंगे उनको हमारे सॉफ्टवेयर के साथ अब काम मैनुअली नहीं होगा अब सॉफ्टवेयर पे होगा काम हुआ था प्रैक्टिकली हुआ था जब इतना ज्यादा चेंजेस हुई थी ना टेक्नोलॉजी में तब सीनियर सिटीजन जो रिटायरमेंट स्टेज पे पहुंचने वाले थे अभी रिटायर होने वाले नहीं थे पांच साल छह साल पड़े थे रिटायर होने में उनको रिटायर कर दिया दे दिया पैसा दिया उनको कॉम्पेन्सेशन दिया उनको अच्छा खासा मनी दिया रिटायरमेंट होने का कि आप पहले से ही रिटायर हो जाओ और इतना पैसा लेके चले जाओ जैसे आपकी जगह पे हम किसी यंगस्टर को रखें और उनको ज्यादा नॉलेज होगा कंप्यूटर्स यूज करने का तो ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है बैंक के लिए अभी तो आपने देखा होगा देखो देखो चलो आप है ना आज यूट्यूब पे देखना तो जरा यू एच बैंक है आ, और एक दो और बैंक्स हैं जिसमें ना अभी रोबोट आया है पता आपको रोबोट yes, रोबोट पता है आपको रोबोट क्या होता है हाँ वो रोबोट आपको गाइड कर रहा है आप सिर्फ उसमें बटन में प्रेस कीजिए मुझे डिपॉजिट करना है तो वो आपको गाइड करेगा लेफ्ट जाके राइट जाके फर्स्ट फ्लोर पे जाके काउंटर नंबर फोर पे जाइए एंड सो एंड सो मिस्टर एंड मिस्टर चौधरी से मिलिए आपका काम हो जाएगा बिलीव मी आई एम टेलिंग यू ट्रूथफुली यूट्यूब पे जाइए सर्च कीजिए बैंक अ रोबोट्स कितनी टेक्नोलॉजी आ रही है आप देखिए अब वो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए भी तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना तो उनको ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताइए समझ आया देखो कितना इंटरेस्टिंग है है ना चलो ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए ये बैंक के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ठीक है सो so, अभी क्या करना है आपको फाइव मिनट्स ब्रेक चाहिए कि लास्ट पॉइंट है वो कवर कर लें दो पेजेस हैं दो पेजेस ही हैं क्या करना है ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू कंटिन्यू करें फिर जल्दी हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं इज दैट ओके हाफ हाफ एन एन आवर आवर में हो हो जाएगा से पहले ही हो जाएगा। बहुत ईजी है फटाफट हो जाएगा चलो देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट करंट डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर अब आपको पता है जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी आ रही है ग्लोबलाइजेशन uh, हो गई और रूरल बैंक्स भी ओपन हो रही हैं तो कितनी सारी डेवलपमेंट्स आ गई है करंट बैंकिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं कौन कौन से डेवलपमेंट्स आए हैं चलो सम ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर्स आर कौन कौन से रिसेंट डेवलपमेंट आए हैं रिसेंट मतलब अभी कुछ दस बारह साल में यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी अभी देखो पहले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ए पॉइंट ऑफ सेल और अभी तो अभी तो पेटीएम जीपे सिर्फ कोड स्कैन करो सिर्फ अभी तो वो क्यू आर कोड आता है उसको स्कैन करो पेमेंट हो जाएगी कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है और ये सब किसकी वजह से हुआ है जो बैंकिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना उसमें अपग्रेडेशन हुई है अगर बैंक ही अपने आपको अपग्रेड नहीं करेंगे टेक्नोलॉजिकल चीजों के साथ तो हम पेमेंट कैसे करते थे जीपे और पेटीएम के साथ एटीएम कैसे यूज करते थे ओनली बिकॉज ऑफ बैंक्स एंड देयर अपडेटेड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स

अब उसमें इंटरनेट बैंकिंग होती है आर टीजी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा रीड करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं देखो अब जब किसी को पेमेंट करनी है तो कैसे कैसे पेमेंट हो सकती है बहुत तरीकों से पेमेंट हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक मोड पे देखते हैं आरबीआई टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर सेफ साउंड एफिशिएंट एक्सेसिबल एंड ऑथोराइज पेमेंट्स ऐसी पेमेंट जो सेफ भी हो ठीक है मतलब मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आ, मैंने पेमेंट करी और किसी थर्ड पर्सन को पता लग गया मेरा अकाउंट नंबर वो हैक हो गया और मेरे अकाउंट से सारे पैसे चोरी हो गए ये भी नहीं होना चाहिए ऑनलाइन में ये बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं ये नहीं होना चाहिए तो आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया कि पेमेंट सेफ साउंड एफिशिएंट होनी चाहिए एक्सेसिबल मतलब कोई भी यूज कर सके उसको इजीली एक्सेसिबल हो और ऑथोराइज पेमेंट्स जो मतलब कोई तो उसको ध्यान रख रहा हो कि कहीं पे कुछ गड़बड़ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही किसी की चोरी तो नहीं हो रही है कोई हैक तो नहीं कर रहा अकाउंट्स को उस उसपे नजर रखने वाला कोई ऑथोराइज पेमेंट सिस्टम होना चाहिए कंट्री में तो आरबीआई ने ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए पेमेंट सिस्टम के लिए अब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पेपरलेस बेस्ड पेमेंट्स स्कीम लाइक पेपर बेस्ड पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ही आपका पेमेंट सेटल हो जाएगा क्लियर हो जाएगा रीजनल रीजनल uh, 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 क्या बोलते हैं इसको ईसीएस ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज तो रीजनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज मतलब रीजनल एरियाज में लोकल एरियाज़ में ईसीएस डेबिट मतलब सिर्फ आपका अकाउंट डेबिट दिखाएगा ईसीएस से ठीक है एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसको ई बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दो तरीकों से होता है आरटीजीएस एनईएफटी एफ टी फुल क्या है आरटीजीएस का ये एमसीक्यूस में आ सकते हैं बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये आर एनईएफटी एफ टी ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है बताओ आरटीजीएस का फुल फॉर्म किसी को पता है रियल रियल टाइम ग्रॉस ग्रॉस सेटलमेंट सेटलमेंट लिखा हुआ है देखो यहाँ पे रियल टाइम रियल टाइम मतलब अभी का अभी का रियल टाइम ठीक है ऑनलाइन है पर अभी हो जाएगा थोड़ी देर में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्रॉस मतलब पेमेंट लेन देन करनी है किसी से पैसा लेना है किसी को देना है बैंक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आरटीजीएस करो आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये इंटरनेट बैंकिंग का एक मोड होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक फंड पेमेंट का एक मोड होता है ये मोड तरीका अच्छा इसमें क्या होता है सिस्टम ये वो सिस्टम है विच इज फॉर लार्ज वैल्यू पेमेंट्स जब आपको बड़े बड़े अमाउंट्स पे करने पड़ते हैं ना बिजनेसमैन को एग्जांपल ले लो जब मैं बिजनेसमैन मैन हूं और मुझे दूसरे बिजनेसमैन को बहुत बड़ा अमाउंट पे करना है तो जैसे दो लाख पांच लाख छह लाख दस लाख पंद्रह लाख तो आर यूज किया जाता है अच्छा मिनिमम अमाउंट कितना ध्यान से सुनो मैं फिर से बोल रही हूँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे रियल टाइम ग्रॉस पेमेंट में मिनिमम अमाउंट का ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है दो लाख रुपए शुरुआत कहां से होती है मिनिमम अमाउंट आपको क्या पे करना है किसी को अगर दो लाख ,00 तो आरटीजीएस कर सकते हो आप देखो लिखा हुआ है दिस सिस्टम इज दैट विच इज फॉर लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम प्रोसेसिंग फॉर बोथ कस्टमर एंड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन दो बैंक को भी अपने बीच में ट्रांजेक्शन करना है या कस्टमर को ट्रांजेक्शन करना है तो भी हो सकता है ऑफ रुपीज टू लैक्स मतलब मिनिमम अमाउंट स्टार्टिंग अमाउंट क्या है स्टार्टिंग अमाउंट क्या है टू लैक्स ठीक है एंड एंड अब टू लैक्स एंड अबव का मतलब दो लाख या दो लाख से ऊपर दो लाख से ऊपर हाँ वेरी गुड एंड अब का मतलब दो लाख से ऊपर का भी ट्रांजेक्शन हाँ, आप कर सकते हैं पर दो लाख से शुरू होता है आरटीजीएस मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजेक्शन इज रुपीज टू लैक्स चलो एनईएफटी देखो एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अब नाम से ही समझ में आ रहा है नेशनल मतलब इंडिया का इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन मोड फंड ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पैसे पहुंचाना ऑनलाइन जरिए ठीक है तो अगर आप एनईएफटी करते हो तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वो सिस्टम होता है विच इज फॉर रिटेल कंसिस्टेंसी पोस्टेड डबल डिजिट ग्रोथ मतलब ये रिटेल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए जैसे मैं आपको एनईएफटी कर सकती हूँ आप मुझे एनईएफटी कर सकते हो ठीक है ये भी ना इसका भी जो वॉल्यूम होता है ना ट्रांजेक्शन का वो भी लार्ज ही होता है मतलब अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स करनी है तो एन कर सकते हो इन ऑर्डर टू एनकरेज माइग्रेशन ऑफ स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑफ कैश चेक मोर टू एन कस्टमर चार्जेस फॉर ट्रांजेक्शन अप टू टेन थाउजेंड व रिड्यूस टू टू फ्रॉम फाइव बाई आर ये इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है बस वो ये बता रहा है कि ना पहले लिमिट जो होती थी ना पहले दस हजार होती थी पर अभी बढ़ा दी गई है लिमिट ट्रांजेक्शन की अब आप ज़्यादा अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हो ठीक है okay. है ओके नेक्स्ट फिनेंशियल इंक्लूजन अब देखो जो स्मॉल एंटरप्रेनर्स होते थे स्मॉल ओनर्स होते थे स्मॉल बिजनेसमैन पहले ना जो पुअर लोग होते थे जिनकी इनकम बहुत कम या बिल्कुल इनकम जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहे हैं पहले वो लोगों को फिनेंशियल इंक्लू फिनेंशियल इंक्लूजन में नहीं बेनिफिट था मतलब वो लोग फिनेंशियली इंक्लूड नहीं थे इकोनॉमी में बैंक बैंक जो थी वो पहले सबके लिए नहीं होती थी उनके लिए होती थी जो अफोर्ड कर सकते हैं अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है दो हजार अब मिनिमम बैलेंस दो हजार मेंटेन करके रखना है तो जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कहां मेंटेन करके रख सकते हैं तो वो लोग बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं करवाते थे मतलब वो लोग फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं थे इकोनॉमी में वो हम बैंकिंग सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते थे इकोनॉमी में होने के बाद भी इकोनॉमी के बेनिफिट्स नहीं लेते थे वो बैंकिंग के बेनिफिट्स नहीं थे उनके पास लेकिन अब है अब तो विलेजेस में भी है देखो विलेजेस में भी बैंकिंग बैंकिंग इंडस्ट्री ओपन हुई है बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस ओपन हुए हैं आजकल विलेज के भी लोग पेटीएम uh, पे यूज कर पा रहे हैं तो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट है ना बैंकिंग सर्विसेज वो लोग भी यूज कर पा रहे हैं आजकल क्योंकि इट इज मेड अफोर्डेबल टू एवरीबडी बैंक ने अपने आपके स्कीम्स को इतना uh, मतलब इजी कर दिया है और सस्ता कर दिया है कि एवरी पुअर कैन एफोर्ड इवन एवरी पुअर कैन एफोर्ड एंटर हैविंग अ बैंक अकाउंट समझ में आ रहा है इतना इजी हो गया बैंकिंग अभी तो एवरीबडी कैन एफोर्ड टू हैव अ बैंक अकाउंट एवरीबडी कैन है आप देखो पहले लोन्स कितने कितने महंगे में महंगे लोन्स मिलते थे ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट का लोन 14% इंटरेस्ट का लोन अभी देखो कंपटीशन इतनी बढ़ गई है इतनी बैंक्स आ गई हैं तो लोन भी सस्ता हो गया 6% लोन अभी हम होम लोन लेने जाओ आप देखो 6% का होम लोन मिलेगा एसबीआई से 6.7% का होम लोन मिलता है वुमेन वुमेन के लिए तो और कम होता है ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं तो फाइनेंशियली इंक्लूड जो फाइनेंशियली इंक्लूजन है ना उसका परसेंटेज बढ़ गया ठीक है थीके? चलो नेक्स्ट देखो मोबाइल बैंकिंग अब आपको मेरे से ज्यादा पता होगा ये मोबाइल बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग क्या होता है आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करके फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो चार पांच दिन के ट्रांजैक्शन क्या हुए हैं मेरे बैंक अकाउंट के अच्छा घर पे बैठे बैठे आप चेकबुक के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा चेकबुक खत्म हो गया मुझे है मुझे पहुंचाइए मोबाइल के थ्रू ही बस आप क्लिक करो एक है ना बटन होता है मैंने खुद किया हुआ है इसीलिए मैं बता पा रही हूँ एक है ना मोबाइल में बटन होता है चेकबुक उसमें जाइए आप नीचे रिक्वेस्ट बटन होता है बस उसमें रिक्वेस्ट बटन को क्लिक कीजिए आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई कुछ लिखना नहीं है कोई सेंटेंस नहीं टाइप करना है मेल नहीं छोड़ना है उनको एक बटन क्लिक करने पे आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाती है और आपके घर पे चेकबुक डिलीवर हो जाते हैं ये सब मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग की वजह से हो रहा है क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना है घर बैठे बैठे मोबाइल बैंकिंग से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दो यूटिलिटी बिल्स घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है इंश्योरेंस का प्रीमियम भर कर दो मोबाइल से मोबाइल में ऑन करो अपना ऐप ऑन करो वहां पे जाओ यूटिलिटी बिल का ऑप्शन होता है वहां पे वहां पे जाओ और पेमेंट कर दो जहां चाहिए जिस कंपनी का अकाउंट नंबर है वहां पे डाल दो और पेमेंट हो जाएगी उनको डीमेट अकाउंट सर्विसेज चाहिए वो भी मोबाइल से ओपन हो जाएगा मोबाइल का टॉपअप चाहिए मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो भी वो भी कर सकते हैं सिर्फ अपना बैंक का ऐप आप, आपके पास वो ऐप होना चाहिए मर्चेंट पेमेंट मतलब कोई बिजनेसमैन अपने ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं एम एफ टी आर टी जी एस एवरीथिंग इज यू नो एवरी इज टू बी आई मीन टू बी डन थ्रू मोबाइल उसे कहते हैं मोबाइल बैंकिंग एम बैंकिंग भी बोल सकते हैं इसको एम बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग आजकल शॉर्ट में बोलते हैं एम बैंकिंग ठीक है अच्छा अब uh, क्या पढ़ रहे हैं वैसे हम कौन सी कौन सी रिसेंट डेवलपमेंट आई हैं है बैंकिंग सेक्टर में तो ये भी डेवलपमेंट ही है अगर बैंक्स बढ़ने लगे हैं न्यू न्यू प्लेयर्स इंडस्ट्री में आ गए हैं न्यू फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले न्यू प्रोडक्ट्स न्यू स्कीम्स सस्ते में कॉस्ट इफेक्टिव वे में एफिशिएंटली प्रोवाइड करने के मैनर से बहुत सारी बैंक्स ओपन हो गई हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं जो कि आपको अच्छी अच्छी नई नई स्कीम्स देते हैं अच्छे अच्छे लोन्स देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे तो ये भी तो अब मेरे लिए रिसेंट डेवलपमेंट ही है और क्या है और रूरल एरियाज को भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग अब जैसे पेमेंट बैंक देखो पेमेंट बैंक ने अपने बहुत सारे ब्रांचेस कहाँ पे खोले हैं रूरल एरियाज रूरल एरियाज को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि रूरल एरिया के लोग भी जी जीपे और पेटीएम यूज कर सकें उनके लिए भी इतना इजी बनाया जा रहा है ठीक है तो ये रिसेंट डेवलपमेंट ही तो है और क्या है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेनर्स को डेवलप करना उनको लोन्स देना उनके लिए फाइनेंशियल उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना उस, उनके बिजनेसेस को एडवाइजेस देना कि कैसे आप माइक्रो से स्मॉल स्मॉल से मीडियम एंटरप्राइज बन सकते हो और मीडियम से लॉन्ग टर्म पे आ सकते हो लार्ज स्केल पे बिजनेस कर सकते हो तो उनके लिए तो उनको फंड्स चाहिए ना उनको आइडियाज चाहिए उनको यू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी बोलते हैं इसको शॉर्ट में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनकी भी बहुत ग्रोथ हो रही है अब ये लोग क्या करते हैं ये लोग भी सर्विस ये भी बैंकिंग सर्विसेज ही देते हैं पर नाम बैंक नहीं होता है इनका कोई और ही नाम ऐसे नाम रख सकते हैं वो पीछे बैंक नहीं लगा सकते पीछे वो अपने नाम के पीछे आगे बीच में बैंक नहीं लगा सकते पर वो देते बैंकिंग सर्विसेज ही ठीक है ऐसे ऐसी बैंक्स को बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी शॉर्ट में बोलते हैं इनको ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज ही देते हैं लोगों को ठीक है नो फ्रिल अकाउंट नो फ्रिल्स अकाउंट मतलब अभी देखो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक जो ओपन हुई थी तमिलनाडु तमिलनाडु uh, में the Grama Bank, देखो नाम क्या है इसका फ्रिल्स अकाउंट no no का मतलब उस स्कीम का नाम था एलिमाई अकाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरी वन इन द रूरल एरिया एलिमाई अकाउंट का मतलब अब मैं आपको बता रही हूं यानी कि जो जो एग्जाम्पल uh, ले लो सपोज मैं बहुत ज्यादा कम अर्न करती हूँ बहुत कम मेरी इनकम बिल्कुल कम है और वो पूरी की पूरी घर पे खर्च हो जाती है एवरी डे एवरी मंथ मेरे पास कुछ सेविंग्स बचती नहीं ऐसे लोगों के लिए पहले बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो सकता था क्यों क्योंकि मिनिमम बैलेंस तो ओपन करना पड़ेगा ना मिनिमम बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा बैंक में दो हजार रुपये पांच हजार हजार रुपये पांच सौ पर ये जो नो फ्रिल अकाउंट ओपन किया था नो फ्रिल मतलब आपको कोई टेंशन नहीं करना जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करना मतलब कुछ बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है बैंक अकाउंट ओपन हो गया तो मतलब आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो बैंक की सर्विसेज बैंक से लोन लेना अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना और मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग जी पे पेटीएम कुछ भी आप यूज कर सकते हो एक बार अगर अकाउंट ओपन हो गया अकाउंट ओपन हो गया तो तो अकाउंट ओपन होना बहुत पहले बहुत मुश्किल था पर अब तो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होने लगे हैं मदद से रीजनल रूरल बैंक की मदद से तो ये तो रूरल एरियाज के लिए बहुत बेनिफिट है जिनके पास रोज इनकम आती है और रोज खर्च हो जाती है तो उनके पास कैश बचती नहीं है तो अकाउंट में रखेंगे कैसे बोलो तो इसीलिए उनके लिए बैंक अकाउंट कौन सा ओपन uh, किया था नो फ्रिल अकाउंट जिसको हिंदी में उनको उन्होंने स्कीम का नाम दिया था एलिमाई अकाउंट ओके मतलब जीरो बैलेंस से आप शुरू कर सकते हैं अकाउंट लिखा हुआ है दिस न्यू अकाउंट कैन बी ओपन एंड जीरो बैलेंस ओके सो और भी रिसेंट डेवलपमेंट्स में और भी पॉइंट्स हैं देखो माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस मतलब आर uh, ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें माइक्रो फाइनेंस में अब माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है स्मॉल एंट्रप्रिन एग्रीकल्चरल फार्मर्स वीवर्स स्मॉल हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं जो घर बैठे पापड़ बेलने वाले काम करते हैं और उनको बेचते हैं जो वुमेन हैं रूरल एरियाज में ऐसे लोगों को डेवलप करने के लिए ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए ऐसे लोगों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए माइक्रो फाइनेंस ओपन हुआ था और किसने ओपन किया था ये आरआरबीज़ ने आरआरबीज़ ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आज भी विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड। ठीक है देखो लिखा हुआ है आर आरबीज है सिग्निफिकेंट रोल इन फील्ड ऑफ माइक्रो फाइनेंस ऑल्सो फॉर इंस्टेंस द नाबार्ड हैज परमिटेड पंड्यान ग्रामा बैंक जो अभी ऊपर हमने पढ़ा टू एक्ट एज ए सेल्फ हेल्प प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन मतलब वो खुद से मदद करते हैं अपने की, में जो भी हैं, जिनको माइक्रो फाइनेंस की नीड है लोन मतलब की नीड है ठीक है तो बैंक हैजरेडी लेंडेड लेंडिंग हैज बीन लेंडिंग माइक्रो फाइनेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप एस एच जी सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द नेम ऑफ मालार मुगम मलार मुगम ये नाम से उन्होंने ये स्कीम शुरू करी थी माइक्रो फाइनेंस की ठीक है ओके बस आपको माइक्रो फाइनेंस का मतलब पता होना चाहिए एंड अः अभी देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम ओपन हुई थी गवर्नमेंट ने ओपन की थी प्रधानमंत्री नाम ही देखो प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री जनधन योजना योजना अभी धन जन मतलब जनता जन मतलब जनता योजना मतलब स्कीम जब हम योजना बोलते हैं ना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कीम जन मतलब जनता मतलब पब्लिक इट इज फॉर पब्लिक किसने ओपन की थी प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर ने ठीक है प्रधानमंत्री जन धन योजना धन मतलब पैसा मनी फंड्स। ठीक है तो ये ना एक स्कीम ओपन की थी वो उसमें भी बहुत सारे डिपॉजिट्स आए थे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई थी इसमें भी तो इसके अंडर में टोटल बैंक ओपन हुई थी द नंबर ऑफ टोटल बैंक अकाउंट अंडर प्राइम सॉरी प्रधानमंत्री जनधन योजना रीच्ड थ्री 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 ऑफ नवंबर टू थाउजेंड एटीन कितने सारे बैंक अकाउंट्स खुल गए देखो जिनके पास बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे मतलब आप सोचो थ्री 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 पॉइंट एट मिलियन लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे सॉरी uh, लोग नहीं अकाउंट्स नहीं थे तो इतने अकाउंट्स ओपन हो गए बैंक अकाउंट्स समझ में आया तो इससे भी कितनी प्रोग्रेस हो गई आ गए ना वो फाइनेंशियली इंक्लूड हो गए ना वो लोग भी जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे जीरो बैलेंस पे ये ओपन किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना ठीक है तो दीज द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर so we are done with the chapter these are mcqs you can have a you know look at all these mcqs sirf mcqs nahi padhna hai beech mein se koi bhi point utha mcq ban ke aa sakta hai so you have to read out you have to understand you have to uh, understand the concepts of each and every point कुछ भी छोड़ना नहीं है सब कुछ read करना है सब कुछ पढ़ना है सिर्फ MCQs नहीं पढ़ के आने का MCQs तो दियो मैं कुछ दस बारह पांच छह देखो कितने दिए दिए हुए हुए पे देखो आप पांच या छे MCQs ट्रू और, छे। और क्या है कुछ भी नहीं है ठीक है तो चैप्टर पूरा पढ़ना इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने लेक्चर सुना है उनको तो बहुत अच्छे से आ, मतलब अब सुन भी लिया है तो अब अच्छे से आ भी गया एक बार रिवाइज करने की सिर्फ नीड है आप लोगों को ठीक है सो so, हमारा जो इंटरनल का सिलेबस था चैप्टर नंबर एंड इज ओवर सो so, आपको यहां तक कुछ डाउट है सो प्लीज क्लियर इट आउट यहां तक किसी को कोई डाउट नो मैम इन दोनों चैप्टर्स में कुछ डाउट नहीं है सबको क्लियर हुआ यस मैम ओके ओके यस मैम एंड अप Uh, i आई mean, uh, for the day it is enough and then have a revision proper properly पढ़ाई करो अच्छे से पढ़ो और डाउट्स uh, आएंगे तो हम क्लियर कर सकते हैं आपको चाहिए तो ओवर द फोन व्हाट्सएप पे छोड़ देना मुझे डाउट मैं आपको क्लियर करूंगी ठीक है और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ठीक है या थैंक यू मैम ओके 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 बाय एवरी